मतलब जहां पे भी ऑफिशियल काम की बात करनी है कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है वहां अपने आप अप अंग्रेजी निकलाती है yeah. जहां पे रात को दारू बैठ पीनी है दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी करनी है जहां पे ठीक है जहां पे ये कैजुअल पार्ट ऑफ योर लाइफ है वहां पे अपने आप अप हिंदी निकल आती है पर्सनैलिटी hmm. में डिफरेंस कितना आ गया इंग्लिश oh, के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना इट इज वन ऑफ द फनीस्ट थिंग्स लाइक वी जस्ट डू नॉट अप्रिशिएट हाउ यूनिक दिस इज तुम जब अपने घर के बाहर निकलोगे और देखोगे कि मैक्सिकन बंदा स्पेनिश में ही बात कर रहा है ठीक yeah. है कोई फलाना आदमी अपनी लैंग्वेज को लेके बड़े खुश हैं थोड़ी टूटी मोटी इंग्लिश बोलते हैं फिर तुम्हें रिलाइज होगा कितने गलत लेवल पर ट्रॉम भाई कि ये समझ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है मतलब जहां पे भी ऑफिशियल काम की बात करनी है कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है वहां अपने आप अंग्रेजी निकल आती है Yeah. जहाँ पे रात को दारू बैठ पी है दोस्तों के साथ बैठ के बगचौदी करनी है जहाँ पे ठीक है जहां पे कैजुअल पार्ट ऑफ आप हिंदी निकल आती है पर्सनैलिटी hmm. में डिफरेंस कितना आ गया और मैं तो यार लोगों को ही कहता हूँ इस चक्कर में ना ये हिंदी सीखते हैं ना ये अंग्रेजी सीखते हैं ना ही है। हाँ, और अगर तुम लैंग्वेज ही नहीं जानते कोई तो तुम अपने ख्याल एक्सप्रेस किसमें करोगे

उसको मैप करने के लिए उसको ढंग से समझने के लिए उस टेरिटरी को हमें लैंग्वेज चाहिए होती है यस yes. ठीक है करेक्ट अब अगर भाई तुम्हें घंटा पता ही नहीं तुम सोचते क्या हो तो तुम लैंग्वेज से लिखोगे कैसे और अगर yes. तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती तो तुम सोचते हो वो लोगों को बताओगे कैसे hmm. समझ रहे ये दो दो चीजें हैं जहां से कंफ्यूजन निकल के आती है अब जब ये दो या तो मेरे को पता नहीं है या मेरे को बताना नहीं आता मैं फिर बड़ी बड़ी बातें करूंगा और उसका एक बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल क्या है सो 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 ठीक है love. क्योंकि मैं मेरे को तारीफ करनी नहीं आती किसी की रियली really, मैं ये नहीं बोल सकता yeah. इन, ये आदमी है इस सेंस में इनका ये काम बहुत अच्छा है, ये hmm. gracious, blah, 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 हमारे है में. कितने सालों से मेरा प्रिंसिपल रोस के ऑनरेबल वर्ड सुनेगा उसके लिए ऑनरेबल का मतलब खत्म हो जाएगा यू नो इट्स की you know, For the longest time, my professor, principal was great, S. Samrana. She kept using this word because there was sacred occasion, she kept saying the word "sanctimonious." And then one day, she stopped saying it. So the English teacher herself said, "I was trying to write a speech or something, and you know, I thought that the school word use the 'sanctimonious.' I'm just going to use that as well, right? You know?" And my English teacher said, I was like, "Why?" Because like, Samram used to use it, but it turns out it means trying to be holier than thou. So the for entire two three years, huh. she was basically saying the founder's day represents. I said the, it this morning in a stream, bro. I was streaming. Sanctimonious is is inaccurate, right? <laughs> because it means that you charlatan. Matlab, oh, pretend kar So huh. it's it's bullshit cool like that because you get too involved in the fucking symbolism of these acts, you forget what the fuck you are saying in the first place, bro. Right. Right. This, this बड़ेक्टिव का फ्लफ स्कूल से आता है सबसे पहले सबसे पहले स्कूल से आता है आइडिया स्पेस के बारे में बात कैसे करेंगे हमारे पास सिर्फ बड़े शब्द हैं बात करने के लिए जो भी है ना, August, उनको भी नहीं पतास्ट का मतलब क्या है और क्यों बोलते हैं August, क्यों वो? भाई, इतना परेशान क्यों करते हो यार अंग्रेजी के लिए मेरे को तो समझ नहीं आता यार Yeah, सुन लो सिंबॉलिक अंग्रेजी सिंबॉलिक हम ये दिखा रहे हैं कि हम कितने ग्रैंड मास्टर बेटरी मुठल master बात बेटरी. होती है मुठल बात आ, होती है self, कि self self master master हम ओहो oh, 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 ओहो ठीक है कितने और है। पता है, प्रकर यून आन विक्टोर्स एंड दैट इज एंग्री अबाउट इट कंप्लीटली स्विच्ड कंप्लीटली स्विच्ड टू द अदर साइड राइट लाइक ब्रो डायरेक्ट हाँ हिंदी बोल गाली बोल जो बोलना है बोल सीधा बोल आर पारकर ठीक है फालतू में अंग्रेजी मत घुमा जाना